हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, दो तीन दिन पहले एक इवेंट चल रहा था, टीम रेड वर्सेस टीम ब्लू। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट को, और बहुत सारी वीडियोस बनाए सब ने, एंड बहुत सारे लाइव स्ट्रीम्स हुए। आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट्स मिले मेरे को कि मैं कब हाईलाइट्स में डालने वाला हूँ। तो गाइज़, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है, मैं अभी घर में नहीं हूँ, बाहर हूँ, एंड यहाँ पर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, इसीलिए मैं रेगुलर इंटरवल्स में वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। पर फिर भी मैंने कुछ वीडियोस प्री रिकॉर्डेड कर रखे थे, एंड जो भी है कोशिश करके कुछ वीडियोस मैं बना रहा हूँ, जो कि मैं अपलोड्स कर रहा हूँ, एंड आने भी टाइम में भी आपको अपलोड्स मिलेंगे। तो गाइज, जैसे मैं रिटर्न करूँगा उसके बाद आपको रेगुलर इंटरवल में स्ट्रीम्स एंड वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए, एक छोटा सा मैं हाईलाइट दूंगा वॉर का, लास्ट वॉर जैसा बीता, जो टीम रेड वर्सेस टीम ब्लू का वॉर था। हम लोगों ने आराम से बोल सकता हूँ कि 3 स्टार बहुत आराम से होते हैं, 3 स्टार, एंड डिस्ट्रक्शन में भी हम लोग अच्छे खासे परसेंटेज से आगे थे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ माइक क्लैन के यहाँ पे वॉर लॉग में जाकर, आप देख सकते हैं 57-54। आपको मेरे ख्याल से पता है, आपको पहले से ये इन्फॉर्मेशन पता है कि हम लोग जीत चुके हैं, एंड कितने वॉर स्टार से जीते हैं ये भी आपको पता होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपना एक अटैक दिखाऊंगा। मैंने 2 अटैक्स किए थे, एक अटैक मेरा 96% 2 स्टार था, और जो सेकेंड अटैक था वो मेरा 100% 3 स्टार था। तो गाइस, अटैक के रिप्लेस तो यहाँ पे नहीं है, आप जैसे कि देख सकते हैं डिटेल्स नॉट अवेलेबल, पर मेरे भाई पंकज ने मेरे लिए एक रिकॉर्डेड मेरा वीडियो भेजा है मेरे लिए, जो कि मैं यहाँ पे प्ले करके बताऊंगा। तो आप एक बार पंकज को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा गाइज, उसका चैनल का नाम है Walker456। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका एक लिंक छोड़ दूंगा, आप उसे फॉलो करके उनका चैनल विजिट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, एंड उन्हें सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए, फटाफट मेरे अटैक में चलते हैं, एंड देखते हैं कि कैसा रहा वो अटैक और कैसे हमने 3 स्टार अचीव किया उस अटैक में। सो ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो वॉर लॉग है, और यहाँ पे मेरे अटैक में चलेंगे आगे। ये था बेस गाइस, और यहाँ पे अगर मैं अच्छे से बताऊँ तो HGHB, पहले मैंने सोचा कि HGHB से ही जाऊँगा, और सेकंड मेरा ऑप्शन एक और था जो कि मैं सोच रहा था कि क्वीन वॉक बोविच, पर सिंगल टारगेटिंग इन्फर्नोज थे तो HGHB बहुत वैल्यू फॉर मनी है, और इतनी अच्छी किल स्क्वाड मैंने बनाई। मैंने कुछ जायंट्स लिए थे, मेरे पास वॉल ब्रेकर था जिसके अंदर मैंने जायंट्स लिए थे। वॉल ब्रेकर के अंदर अगर आप बोलर्स लेने की सोच रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जायंट्स लें, क्योंकि अगर आप बोलर्स लेंगे तो किल स्क्वाड से वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि आपके बोलर्स बहुत बाद में जाके सीज मशीन से बाहर निकलेंगे और तब तक डैमेज नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने बोलर्स यूज़ करे थे तो बहुत अच्छे से उन्होंने डैमेज पहुंचाया, और मेरा वॉल रेकर टैंक भी कर रहा था, और उसी के साथ वॉल्स भी उसने ओपन कर दिए। तो ये वाली कंपार्टमेंट मैं यही लेना चाहता था, ये वाले कंपार्टमेंट मैं पूरा लेना चाहता था, उसी के साथ दोनों इन्फर्नो टावर्स, हीरोज और क्लैन कासल, सब कुछ मेरे को मिल गया यहाँ से एंट्री लेने के बाद। तो बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी थी। क्वीन किंग की एबिलिटी मैंने मिस कर दी थी यहाँ पे, क्योंकि सिंगल टारगेटिंग इन्फर्नो उसके ऊपर लॉक्ड था, मेरे को टाइम नहीं मिला, लिटरली टाइम नहीं मिला बिल्कुल ही, ताकि मैं एबिलिटी पॉपअप करूँ। पर फिर भी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि दोनों जो इन्फर्नोज थे वो निकल गए। क्वीन ने बहुत अच्छा बैकअप दिया, और उसके बाद मेरे हीलर्स जो थे वो मेरे जायंट्स के ऊपर शिफ्ट हो गए थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बॉटम साइड से मैंने हॉक्स को डिप्लॉय करे और 2 फिंगर टैप डिप्लॉय किए थे, 3 हील्स मेरे पास था, मेरे को पता था कि कहाँ कहाँ डबल जायंट बॉम्ब हो सकता है प्रॉब्ली, और 3 हील्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप जायंट बॉम्ब का, अगर इतना भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जायंट बॉम्ब हॉक्स का जो हेल्थ है वो हाफ भी नहीं करते अच्छे से, तो आप आराम से हील कर सकते हैं अपने हॉग्स को। तो यहाँ पे स्केलेटन्स थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि हमेशा करते हैं, मैं बिल्कुल नफरत करता हूँ स्केलेटन ट्रैप से। और लास्ट वाला हील यहाँ पे मैंने रखा था, क्योंकि लास्ट एक स्प्लैश डैमेज जो था विजर्ड टावर, जैसे वो निकल जाएगा मेरे को पता था कि ये 3 स्टार है, क्योंकि मेरे पास क्लीनअप के लिए अभी भी मिनियंस बचे थे, मेरे पास विजर्ड्स बचे थे, और आप देख सकते हैं सारे डिफेंस डाउन हो चुके हैं, बस एक आर्चर टावर, एक मोर्टार बचा हुआ है, हॉग्स बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं। स्केलेटन ट्रैप थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, पर फिर भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, जैसे ये डिफेंस डाउन होता है उसके बाद यहाँ पे सारे स्केलेटन्स भी डाउन हो जाते हैं, और बस सिर्फ क्लीनअप बचता है। क्लीनअप के लिए मेरे पास, जैसे मैंने बताया, एक्स्ट्रा विजर्ड था मेरे पास और एक मिनियन था, जिसकी मदद से मैंने आराम से क्लीनअप किया। बहुत सारे टन्स ऑफ मेरे पास हॉग्स बचे थे, मेरी क्वीन की एबिलिटी पड़ी थी जो मैंने लास्ट में पॉपअप करी, और बेस आराम से 3 स्टार हो गया। तो गाइज, बहुत अच्छा ये इवेंट गया हमारी तरफ से। तो दोस्तों, यह था अटैक, और बहुत सारे अटैक्स और भी अच्छे खासे अटैक्स हुए थे, जो कि मैं अभी अनलकीली मैं दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वॉर लॉग में अगर मैं जाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे डिटेल्स नॉट अवेलेबल बता रहे, उसके बाद मेंटेनेंस ब्रेक वगैरह आया था, इसीलिए शायद जो रिप्लेस है वो चले गए हैं। पर कोई बात नहीं गाइस, बहुत मज़ा आया था वॉर खेल के, और एक छोटी सी कंपटीशन हुई दोनों टीम्स के बीच में, कंपटीशन तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा फॉर फन था। मैंने अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया, 4 अटैक्स मैंने डिफेंड किए, 3 अटैक्स मैंने डिफेंड किए, और एट लास्ट नंबर 4 नंबर वाला अटैक में मेरे ऊपर 3 स्टार हुआ। वैसे मैं टाउन हॉल 10 हूँ, पर मेरे ऊपर टाउन हॉल 11 मतलब टाउन हॉल 12 ने भी अटैक किया था, सीओसी गुरु ने अटैक किया था, जो कि 3 स्टार ना हो पाया टाउन हॉल 12 के बेस से, पर फिर भी अच्छा एंटरटेनमेंट था और बहुत मज़ा आया। तो गाइज, ऐसे इवेंट्स और हम लोग कंडक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं इन फ्यूचर,
तो आप लोग एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप लोग ऐसे इवेंट्स और देखना चाहते हैं फ्यूचर में। और अगर आपको वीडियो एनी रीजन अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक करना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम हो चैनल पे। और गाइस बस मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अच्छे रहना एंड एज यूजुअल जय हिंद।